हेलो गाइस, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का दोस्तों स्वागत करते हैं आप ही के अपने इस चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे जो है बिना पावर बैंक के और के बिना चार्जर के जो है हम हमारे फोन को जो है चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपके फोन को जो है आसानी से चार्ज कर देगी। और दोस्तों ये ट्रिक्स आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर साइड में जो बेल आइकॉन है उसे आप जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक मोबाइल के ज़रिए जो है हम दूसरे किसी भी मोबाइल को जो है कैसे चार्ज कर सकते हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि पावर बैंक से आपने चार्ज किया होगा या फिर कई बार जो है चार्जर से चार्ज किया होगा, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि आप फ़ोन से किसी भी फ़ोन को जो है चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो फ़ोन है दोस्तों वो ASUS का फ़ोन है जो कि ASUS ZenFone Max Pro M1 है, और इसके अंदर में एक फैसिलिटी आपको मिल जाती है कि रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन जो है इस वाले फ़ोन में आपको मिलता है। हालांकि आप किसी भी फ़ोन से जो है कोई भी फ़ोन को जो है चार्ज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ये जो फ़ोन है ये स्पेशली रिवर्स चार्जिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे देता है, जिसकी वजह से आप आसानी से जो है किसी भी फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे ये चार्ज करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि आपको जो है ये OTG की ज़रूरत पड़ेगी। OTG से आपको, जैसे कि आपको पता है कि OTG से आप बहुत सारे जो काम है वो कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई भी USB ड्राइव यहाँ पर कनेक्ट करना हो आपके मोबाइल से, तो ये सारी चीज़ें आप इस OTG के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं। ये OTG आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो नॉर्मली दोस्तों हमारी जो चार्जिंग की केबल होती है जिसे हम डेटा केबल भी कहते हैं वो आपको ज़रूरत पड़ेगी, और एक आपका फ़ोन जो भी आपको चार्ज करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ ये फ़ोन अभी पूरी तरह से बंद है, देख सकते हैं आप ये पूरी तरह से बंद है। तो अभी हम इसको चार्ज करेंगे इस वाले फ़ोन के साथ में, और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कैसे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल है, आपको जो ये OTG है ये यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है। तो मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से, तो ये आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद में आपको जो है ये वाली जो केबल है वो इससे कनेक्ट करनी होगी। सिंपल है, ये यहाँ पर कनेक्ट हो गई, और आपको मैं दिखा देता हूँ कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है कि प्रोवाइड नॉर्मल रिवर्स चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसमिशन। तो ये रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन देता है और आपका डेटा ट्रांसफ़र का भी यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको इस वाले फ़ोन में मिल जाता है। तो हम बाद में दूसरे वाले फ़ोन से भी करके देखेंगे कि जिसमें ये फैसिलिटी नहीं है रिवर्स चार्जिंग की, काफ़ी पुराना फ़ोन है वो, मैं आपको उससे भी करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है इसकी चार्जिंग होती है या नहीं होती है। फिलहाल तो हम हमारे ASUS ZenFone Max Pro M1 से जो है रिवर्स चार्जिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी तरह से कनेक्ट है, और अभी जो है मैं आपके सामने ये वाले फ़ोन को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका पॉइंट यहाँ पर दिया है, मैं आपका जो चार्जर है वो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने कनेक्ट किया आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये शुरू हो चुका है, और आप देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ये केबल के ज़रिए जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अभी देखिए थोड़ी देर में चार्जिंग आपको दिखा रहे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चार्जिंग जो है वो हमारी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों अगर आपको कभी भी कोई भी फ़ोन को चार्ज करना हो किसी के फ़ोन से, तो एक बात ध्यान रखिए आपको आपके साथ में हमेशा OTG रखिए। OTG भी अलग अलग प्रकार के मिल जाते हैं, ये जो है काफ़ी लंबा OTG है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ऐसा कोई OTG खरीदे आप, क्योंकि ये केबल जो है ब्रेक होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा जो है OTG आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा बेटर हो सकता है। तो ये वाला तो बेटर नहीं है मेरे मुताबिक, तो ये वाला बेटर ऑप्शन नहीं है। मैं आपको दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है ना, ये वाला OTG काफ़ी अच्छा होता है। इसमें देख सकते हैं आपकी यहाँ पर जो है OTG, हालांकि ये सी पोर्ट वाला है, ये इस वाले फ़ोन में नहीं लगेगा। आप ऐसा मार्केट में जो है आसानी से ऐसा वाला भी जो OTG है वो खरीद सकते हैं, या फिर ऐसा वाला भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको रिकमेंड करूंगा कि यही खरीदे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कोई वायर ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे कोई भी वायर ब्रेक होने का चांस नहीं होता है। तो ये एक OTG भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो देखिए अभी हमारा फ़ोन जो है चार्जिंग अभी भी हो ही रही है, तो आप जो है किसी भी फ़ोन को किसी भी फ़ोन से जो है आसानी से चार्ज जो है वो कर सकते हैं। हालांकि चार्जिंग फास्ट नहीं होती है, तो इस वाले फ़ोन में जो है दोस्तों इन्होंने ऑप्शन दे रखा है रिवर्स चार्जिंग का, जिसके वजह से आपको लग रहा होगा कि ये चार्जिंग हो रही है, लेकिन मैं आपको दूसरे फ़ोन से भी जो है चार्ज करके दिखाने वाला हूँ।
तो आप देख सकते हैं ये जो है मेरा ये दूसरा फोन है जिससे मैं आपको चार्ज करके दिखाने वाला हूँ। इसके पहले मैं Asus Zenfone Max Pro M1 से आपको रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन दिखाया था, हालांकि इसमें भी रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, काफ़ी पुराना फोन है। तो इसमें जो है इससे हम हमारे फोन को जो है चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ना दोस्तों ये वाला जो है ये मेरा एक्चुअली सी पोर्ट है जिसकी वजह से ये वाला मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वाला मेरे उस वाले फ़ोन में मैंने कनेक्ट किया था, तो बस सिंपल है इसको निकाल देता हूँ यहाँ से और मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, सिंपल कनेक्ट हो गया। और अभी देखिए आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कि अभी मेरा फ़ोन जो है पूरी तरह से बंद है चार्जिंग के लिए। तो इसको हम अभी और एक बार ट्राई करते हैं, पहले वाले फ़ोन से तो चार्ज हो गया था, तो अभी हम क्या करेंगे इसको इससे कनेक्ट कर देंगे और देखेंगे कि क्या चार्ज होगा सच में। तो देख सकते हैं इस वाले फ़ोन में भी जो है वो चार्जिंग जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर ये चार्ज जो है वो हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये चार्जिंग केबल मेरी जो है कनेक्ट है। और इस तरह से दोस्तों आप किसी भी फ़ोन से किसी भी फ़ोन को आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नया हो दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।